नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। तो सामान्य हिंदी और व्याकरण, इसमें जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो बेसिक चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ गया है। आपने अभी युवा कल्याण अधिकारी का भी पेपर देखा होगा, तो वर्णमाला से सीधे सीधे 5-6 क्वेश्चन आए थे और अच्छे क्वेश्चन थे, जिनके लिए जो है पढ़ा होना या मतलब ठीक अच्छी नॉलेज होना आवश्यक है। तो इस लेक्चर में हम लोग वर्णमाला पर ही डिस्कशन करेंगे। वर्णमाला का कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उनमें तरह तरह के भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर, फिर स्थान के आधार पर स्वर को कैसे बांटा जाता है, व्यंजन को कैसे बांटा जाता है और उनके उदाहरण क्या है, तो अगर आप इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आपके आने वाले एग्जाम यानी वीडियो या जो भी यूपी ट्रिपलएससी का जिसमें भी हिंदी आनी है आपकी, वो एग्जाम में आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्णमाला, तो इसमें शब्द जुड़ा है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। यानी एक जो साउंड होता है वो सबसे छोटी, यानी ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो अगर इसको हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आप जो है, आपके पास 3 जो है शब्द, अक्षर और वर्ण। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। शब्द को अगर हम देखें तो अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि राम एक शब्द है, बिल्कुल सही है, राम शब्द है। अब इसमें अगर हम इसको अक्षरों में विभक्त करें तो क्या होगा? राम, रा अलग हो जाएगा, मा अलग हो जाएगा। तो ये आपके 2 अक्षर आपको प्राप्त हो गए। अब यहां पर जो है वर्ण की बात करें कि इसमें वर्ण कितने हो गए, तो इसमें वर्ण हो गए 4। किस प्रकार से? सबसे पहले हम रा लिखेंगे, जिसके नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, आधा रा है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, फिर मा लिखेंगे, मा में हलंत लगाएंगे और उसके बाद आ। तो अगर हम स्वर और व्यंजन में उसको तोड़ देंगे वर्ण को, तो हमको 4 वर्ण प्राप्त हो जाएंगे, जो जिनसे मिलकर हमारा अक्षर बन जाएगा और अक्षर से शब्द बन जाएंगे। तो देखिए, जो संधि विच्छेद करते हैं उसमें भी जो है यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हमको वर्ण के स्तर पर जो है किसी भी शब्द को जो है विभक्त करना आना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख दें, तब हम सही तौर पे समझ पाएंगे इसमें कि इसमें कौन सा स्वर प्रयोग हुआ है, कौन सा जो है इसमें व्यंजन प्रयोग हुआ है और उसके आधार पर हम वर्ण को समझ पाएंगे। तो वर्ण की ये परिभाषा हो गई, वर्ण को इस तरह से समझा जा सकता है। आप वर्णों का एक व्यवस्थित समूह अगर है तो उसको हम वर्णमाला कहेंगे। ये तो बेसिक बातें होगी जो आप लोग हमेशा से जानते हैं। अब बात आती है वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर हो गया और दूसरा क्या हो गया, व्यंजन। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, यानी जिनको जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है, उनको हम स्वर कहते हैं। और वहीं पर व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं और उनमें जो है स्वरों की सहायता ली जाती है उनको लिखने में और बोलने में, तो उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की, कि स्वर कितने होते हैं और इनका क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो हिंदी में अगर हम बैक में जाए तो पहले एक समय में 14 स्वर हुआ करते थे। तो इन 14 स्वरों का क्या स्वरूप था, पहले ये समझिए। आपके सामने ये जो सीधी लाइन में, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, धी, ए, ऐ, औ, ओ, औ, ये हो गए आपके 11। तो ये आपके सामने 11 है। अंग आहा, ये स्वर नहीं माने जाते हैं क्योंकि ये क्या है, आयोवा है। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग, और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, आयोगवा, जो हमारे स्वर में नहीं कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये मूल रूप से स्वर नहीं है। तो 14 में आपके सामने 11 आ गए। अब पहले क्या था,
री का जो है ये छोटा री है और इसका जो है बड़ा री होता था, उसको हम दीर्घ री कहते थे। और इसके अलावा दो और होते थे स्वर जिसको हम ली कहते थे, छोटे ली और जो है बड़ा ली, इसमें इस तरह से इसको लिखा जाता था। लेकिन बाद में ये तीनों जो है स्वर हटा दिए गए वर्णमाला से, अब इनको स्वर नहीं माना जाता है। इस तरह से अब हमारे पास कुल 11 स्वर होते हैं। आप कुछ किताबें पढ़ेंगे जैसे कि आपकी ल्यूसेंट, अगर आपके पास होगी तो ल्यूसेंट में री को भी नहीं माना गया है और री को स्वर में नहीं गिना गया है, उन्होंने इसको 10 बताया है। लेकिन जो ऑथेंटिक किताबें हैं जैसे पृथ्वीनाथ पांडे है, हरदेव बारी है, उसमें आपको स्वरों की संख्या 11 ही मिलेगी। अब बात करते हैं स्वरों का विभाजन। तो स्वरों का विभाजन जो है, सबसे पहले अगर हम स्वर का विभाजन करते हैं तो मात्रा के आधार पर हम करते हैं कि इनको बोलने में जो समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है या तीन मात्रा का समय लगता है, तो इस आधार पर हम ऋष्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीन जो है मात्रा के आधार पर स्वर हो गए, ऋष्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ऋष्य स्वर का क्या मतलब होता है, और जो मात्रा मानी गई है वो आपको जो उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसको एक मात्रा माना गया है। तो ऋष्य स्वर के उच्चारण में एक, इसको एक मात्रिक भी कहते हैं। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आ सकता है कि एक मात्रिक अगर ऋष्य ने दिया है इसको द्विमात्रिक कहेंगे और इसको तीन मात्रिक, यानी इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। तो आ जो है एक बेस माना गया है कि आ को बोलने में, यानी आ के उच्चारण में हम जितना समय लेते हैं उसको हम एक मात्रा का समय कहते हैं। तो ऋष्य स्वर वो होते हैं जो आ के उच्चारण, यानी एक मात्रा के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको हम ऋष्य स्वर कहते हैं। यानी आपका छोटा आ, छोटी ई, ऊ, ये तीन जो आपकी मात्राएं हो गई, सॉरी स्वर हो गए, ये आपका ऋष्य स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर की बात करें जिनमें दो मात्रा का समय लगता है, क्योंकि आपको बोलने से ही पता चल जाएगा, तो दो मात्रा में बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी जो है दीर्घ मात्रा वाले हो गए। और री प्लुत जो है, प्लुत में क्या होता है, प्लुत में तीन मात्रा का समय लगता है, यानी जैसे कि नाटक नौटंकी या जो है किसी बोलने चिल्लाने में जो हम जैसे प्रयोग करते हैं कि हे राम, अगर जैसे हम उदाहरण लें हे राम, तो हे राम जो होता है इसमें राम को खींच के बोला जाता है राम, तो इसको कैसे हम लिखते हैं, इसको लिखने के लिए प्लुत को रा के आगे तीन मात्रा इस तरह से दर्शाया जाता है और ये लिखा जाता है। तो इसमें जो है क्या आपको दर्शाया जा रहा है, ये तीन एस जैसी जो आकृतियां हैं इससे आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें तीन मात्रा का समय लग रहा है, यानी ये जो है प्लुत स्वर है। अब अगला डिवीजन हम देखते हैं कि अगला डिवीजन कैसे किया जाएगा इसका। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर, हम देखेंगे कि इन स्वरों को कैसे बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अग्र स्वर। अग्र स्वर का क्या अर्थ हो गया, यानी जिनको बोलने में हमारे जीभ के अगले भाग से उच्चारण निकल रहा हो उनको हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं या उनको हम अग्र स्वर कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अग्र स्वर कौन से हो गए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये जो है अग्र स्वर हो गए। अब बात आती है मध्य स्वर, यानी जिसके बोलने में हमारे जीभ का जो है मध्य भाग प्रयुक्त होता है, तो वो मध्य स्वर केवल एक होता है, कौन सा, अ, यानी छोटा आ। उसके बाद पर्च, यानी जीभ का पिछला भाग जिसमें प्रयोग होगा उनको हम पर्च स्वर कहेंगे, तो इसमें बड़ा आ, फिर ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, औ, ओ और औ, ये जो है हमारे पर्च स्वर के उदाहरण हो गए कि जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब अगला अगर डिवीजन इसका हम करें कि किस तरह से जो है भाषा को जो है
बोलने के आधार पर जो है तीसरे तरह से इसको कैसे विभक्त किया जा सकता है। तो तीसरा तत्व हो गया मुख विवर, इसको मुख विवर कहते हैं, या इसको हम जो है मुख द्वार भी, अगर इसको शुद्ध जो है सामान्य भाषा में लिखें तो मुख द्वार, यानी आपके मुख का द्वार कितना खुल रहा है बोलने में, किसी के उच्चारण में हम अपने कितना मुंह को ओपन करते हैं, उसके आधार पर जो है चार तरह से उसको बांटा जा सकता है सभी स्वरों को। पहला है विव्रत। तो देखिए कठिन क्यों लगता है आपको, विव्रत का आप जो है शाब्दिक अर्थ नहीं समझते हैं इसलिए आपको जो है कठिन लगता है कि ऐसा क्यों है। विव्रत को अगर आप सीधा सीधा समझे, ओपन, इंग्लिश में इसको ओपन कहेंगे, यानी जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख पूरा खुल जाए, तो ऐसा केवल वर्णमाला में एक शब्द है, कौन सा, बड़ा आ। जब आ आप बोलते हैं तो हमारा पूरा मुख खुल जाता है। उसके बाद बात आती है अर्ध विव्रत की, तो सेम कंडीशन हो गई, लेकिन इसमें क्या है, आधा मुंह खुलेगा यानी हाफ ओपन, इसको हम क्या कह सकते हैं, हाफ ओपन। तो आ, ए और उसके अलावा औ, ये तीन जो है ऐसे स्वर हैं जिस जो अर्ध विव्रत कहलाते हैं, इसमें हमारे मुख का जो है आधा भाग खुलता है ना कि पूरा भाग खुलता है। अब आता है अगला टाइप, अर्ध संवृत। अब थोड़ा सा यहां फिर हिंदी क्लिष्ट हो गई आपके लिए, संवृत को कैसे आप डिफाइन करेंगे, संवृत क्या होता है, संवृत को आप क्लोज कहते हैं, यानी जिसमें हमारा मुंह आधा बंद होता है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि हाफ ओपन और हाफ संवृत, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें आधा मुंह खुलता है, इसमें आधा मुंह बंद होता है। सोचने में लगता है एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं है, वो उच्चारण आप करके देखिए तो उसमें अंतर आएगा। तो इसमें ए और ओ, ये ऐसे दो स्वर हो गए जिनको बोलने में हमारा मुंह आधा ही खुलता है, आधा बंद रहता है, तो ये अर्ध संवृत कहलाएंगे। इसके अलावा अब बारी आती संवृत की, संवृत का मतलब पूरी तरह से मुंह बंद रहेगा यानी क्लोज रहेगा। तो संवृत कौन से हो गए, ई ई अ उ ई, यानी छोटा ई, बड़ा ई और उसके अलावा उ और बड़ा उ, इनको जब आप बोलेंगे तो इसमें मुंह जो है खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनको बिल्कुल आराम से बिना मुंह खोले ही बोला जा सकता है, इसलिए इनको संवृत कहते हैं। अब अगला डिवीजन हम लोग देखते हैं, ओठों की स्थिति के आधार पर क्या वर्गीकरण किया जाता है स्वरों का। तो सबसे पहले इसमें आप एक इंपॉर्टेंट शब्द जान लीजिए, वर्तुल। वर्तुल को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, बस अगर आपको ये याद रहा तो आप जो है वर्तुल, अवर्तुल, अर्धवर्तुल तीनों को आराम से याद कर सकते हैं। तो जो पहला टाइप है क्या है, प्रसृत, सहज या अवर्तुल, यानी कि अवर्तुल मतलब जिसमें जिनको बोलने में आपके ओठ ओठ जो है एक सर्किल का फॉर्मेशन नहीं करे यार, या गोलाकार रूप ना ले, वो हो गए अवर्तुल, यानी ई, बड़ी ई, ए, ए, इनको बोलने पर ओठ जो है एक विशेष गोल जो है संरचना में नहीं आते हैं। वहीं पर वर्तुल यानी इनमें क्या है, अ, उ, ओ, औ, इनको जब आप बोलेंगे तो ओ, यानी आपके होठ जो है एक गोला जैसा जो है एक सर्किल जैसा बनाते हैं इनके उच्चारण में। अर्धवर्तुल यानी बड़ा आ जो है ये क्या है, इसमें जो है पूरी तरह से गोला नहीं बनता है होठों का, लेकिन आधा बनता है जैसे अ, तो इनको इसलिए जो है बड़े आ को क्या कहा गया है, अर्धवर्तुल कहा गया है। अब जो अगला वर्गीकरण किया जाता है वो जिह्वा पेशी, यानी हमारी जो जीभ है इसकी जो मसल्स हैं उनमें तनाव किस प्रकार का आ रहा है, यानी जिह्वा पेशी के तनाव के आधार पर इसमें किस तरह का तनाव उत्पन्न हो रहा है किसी भी स्वर को बोलने में, इसके आधार पर दो तरह से बांटा जाता है। पहले की बात करेंगे, इनको हम कहेंगे शिथिल स्वर, और दूसरे तरह को हम कहेंगे कठोर स्वर।
तो शिथिल और कठोर यानी आपके जो है बोलने पर इन 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 स्वरों में से जिन स्वरों को बोलने पर जीभ में जो है एक शिथिलता रहती है यानी ज्यादा तनाव नहीं उत्पन्न होता है जीभ की पेशियों में, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई और ए, इनको बोलने पर जो है जीभ में कोई भी विशेष तनाव उत्पन्न नहीं होता है। अब कठोर की बात करें तो इन्हीं के बड़े अक्षरों को ले लीजिए, याद करना सीधा आसान है, बड़ा आ, बड़ी ई और ए, इनको बोलने पर जीवा में हमारे तनाव या टेंशन उत्पन्न होती है उसकी मसल्स में। तो जीवा पेशी के आधार पर ये आपके जो है दो वर्गीकरण हो गया। अब अगला वर्गीकरण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से उसको देखते हैं। अगला वर्गीकरण जो है वो स्थान के आधार पर, यानी आपका जो है जिस स्थान से हमारे गले से, ओंठ से, तालू से, जहां से भी जो है हमारे स्वर का उच्चारण कर रहे हैं यानी जिस स्थान से उसका उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर जो है स्वरों का क्या वर्गीकरण है, ये जो है सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कंठ, कंठ का मतलब गला, यानी जिसके उच्चारण में हमारे कंठ से आवाज आ रही है, जो आवाज आती है वो लगता है कि हमारे गले के भीतर से बाहर आ रही है, वो कंठ कहलाते हैं स्वर। तो आ और आहा, ये जो है आहा क्या है, ऐसा आहा विसर्ग है लेकिन इसको आप बोलेंगे तो इसका उच्चारण कहां होगा, हमारे कंठ से होगा। इसी तरह से तालव्य से, तो तालव्य यानी हमारी तालु, तो ई का उच्चारण हमारी तालु से होगा। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में री, री का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। मूर्धा होता क्या है, मतलब मूर्धन्य जो होता है ये ध्वनि कहां से आती है, तो तालु और ओठ के बीच जो कठोर भाग होता है उसको मूर्धा कहते हैं, शुद्ध हिंदी या संस्कृत कह लीजिए, और जब वहां से उच्चारण आता है तो उसको हम मूर्धन्य कहते हैं। तो ये मूर्धन सब हो गया भी। अब ओष्ठ की बात करते हैं तो उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये जो है हमारे होठों के इसका प्रयोग होता है इसके उच्चारण में, इसलिए इनको होस्ट कहते हैं। अनुनासिक, पहले ही बता चुका हूं कि अनुनासिक जो है जिनमें हमारी नाक, नाक का यूज होता है, जैसे कि पहले इसका उदाहरण समझे, अंग, अंग मतलब कि अंग जब आप बोलते हैं तो हमारे नाक से भी जो है उसके लिए ध्वनि का उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। अब बचा कंठ तालव्य, यानी जिसमें कंठ यानी हमारा गला और तालव यानी तालु दोनों एक साथ एक्शन में काम करे, यानी दोनों का ही प्रयोग हो इस किसी स्वर के उच्चारण में, तो वो कंठ और तालव्य हो गए, जैसे कि ए और ए, तो ये कंठ तालव्य हो गए, इसमें कंठ और तालु दोनों का एक साथ प्रयोग हो गया। अब इसी तरह से कंठ्योस्थ, यानी कंठ हमारा गला और ओंठ इनको दोनों को एक साथ प्रयोग हो रहा है, तो ओ और औ, इन सबको जब आप बोल के देखेंगे तो आपको एक्चुअल में कभी आप अगर एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो तो आप अगर उसको शुद्ध रूप से बोल सके वहां पर तो आपको स्वयं ही अंदाजा लग जाएगा कि ये जो है इनकी किस कैटेगरी में आ रहा है, उच्चारण स्थान से कुछ किस कैटेगरी में आ रहा है। अब एक अंतिम बात जो है स्वर में, कि स्वर जो है सभी स्वर सघोष होते हैं, यानी इनमें जो है ये सभी सघोष होते हैं, ये हमेशा रखिएगा। व्यंजन तो सघोष और अघोष दोनों हो सकते हैं लेकिन स्वर हमेशा सघोष होते हैं। ताकि ये सघोष होता क्या है, तो सघोष और अघोष ये दो टर्म होते हैं, सघोष और अघोष, पहले इसको जरूर जान लीजिए कि ये आवश्यक है, आपका भी व्यंजन में भी इससे पाला पड़ने वाला है। सघोष का मतलब यह है कि हमारे जो स्वर यंत्र होता है, आप जानते हैं अगर बायोलॉजी में गले में हमारा जो है स्वर यंत्र या जिसको हम वोकल कार्ड वो कहते हैं वो हमारा गले में होता है जिससे ही सारी ध्वनियां उत्पन्न होती है, तो किसी भी स्वर को या व्यंजन को बोलने में अगर हमारा स्वर यंत्र या वोकल कार्ड में कंपन उत्पन्न होता है तो वो ध्वनि सघोष होगी या इसको केवल घोष भी कहते हैं।
और वोकल कार्ड में कंपन नहीं हो रहा है जिनको बोलने में, वो अघोष कहलाएंगे। तो जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अघोष और घोष के आधार पर स्वर में कोई भी आपस में डिवीजन नहीं है, क्योंकि सारे ही स्वर सघोष होते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग जो है व्यंजन को कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं व्यंजन की, स्वर के बाद जो है व्यंजन का नंबर आता है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो है ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, इनको इनके उच्चारण के लिए अनिवार्य रूप से स्वरों की सहायता ली जाती है। तो प्रायः ताला, विमूर्धन, ओष्ठ, दंतोष्ठ, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, नासिक, ये सभी जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए, या उसको किस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं कंठ। तो कंठ क्या है? जो सबसे पहला वर्ग है ये कंठ है, यानी का वर्ग के जितने भी वर्ण है या व्यंजन है ये सभी कंठ है। इनका उच्चारण गले से किया जाता है, यानी कंठ से किया जाता है। अब कंठ से थोड़ा सा ऊपर बढ़िए तो तालु, यानी इसके ऊपर क्या आ गया? तालव्य। चा वर्ग यानी चा, छा, जा, झा, इया, ये सभी जो है तालव्य हो गए। अब जिस तरह से मूर्धन्य स्वर था उसी तरह से मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, यानी हमारे तालु और ओठ के बीच में जो कठोर भाग होता है वो मूर्धन्य होता है। तो टा वर्ग के सभी जो है व्यंजन टा, ठा, डा, ढा, ना, ये क्या हो गए? ये तालव्य, सॉरी ये मूर्धन्य हो गए, जो हमारी मूर्धा के प्रयोग से बोले जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या आता है? पाफा, बाभा, मा, इसको आप बोलते ही आपको पता चलेगा पाफा बा, यानी आपके होंठ जो है लगातार जो है टच कर रहे हैं पापा बाभा मा को बोलने में, यानी ये क्या है? ओष्ठ है, यानी इसमें ओठ का प्रयोग हो रहा है, तो ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। ये तो ये तरीका हो गया। अब बात करते हैं अघोष सघोष। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अघोष और सघोष होते क्या है। तो जिनको बोलने में हमारा स्वर यंत्र में कंपन होता है, हमारी वोकल कार्ड में कंपन उत्पन्न होता है, वो सघोष होते हैं। जिनमें नहीं होता है वो अघोष होते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अघोष। तो सबसे पहले अघोष लिख दीजिए दो बार, अघोष अघोष, यानी ये आपका जो है का, चा, टा, फा, यानी सभी का जो है पहला और दूसरा, यानी सभी वर्णों का पहला का, खा, चा, छा, टा, ठा, पा, फा, ये अघोष व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं सघोष की। तो इसके बाद जितना बच रहा है ये सभी सघोष है। इस तरह से याद रखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ये भी सघोष हो गया, ये भी सघोष हो गया और ये भी सघोष हो गया। यानी जितने भी आपके का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग हैं, इनका जो आखिरी के तीनों व्यंजन हैं, यानी गा, घा, या, जा, जा, या, डा, ढा, ना, बा, भा, मा, ये सभी क्या हो गए? सघोष व्यंजन हो गए। ये एक बात हो गई। अब अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण से क्या मतलब हुआ? यानी जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में, प्राण मतलब वायु, यहां प्राण का अर्थ है वायु से, जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से वायु ज्यादा निकलेगी वो महाप्राण कहलाएंगे, वायु कम निकलेगी वो अल्प प्राण कहलाएंगे। तो सीधे सीधे अब इसका एक क्या फंडा है, यहां पर अल्प लिख दीजिए, यहां पर महा लिख दीजिए, यहां पर अल्प लिख दीजिए, यहां पर महा लिख दीजिए और यहां पर अल्प लिख दीजिए। यानी आपको अल्टरनेट क्रम में अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरह से आप जो है इस जो है पांचों जो है वर्ग के जो है व्यंजन है इनके ऊपर लिख दीजिए। तो अब आपका जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि कहां से किसका उच्चारण होता है
उच्चारण के आधार पर ये क्या कहे जाते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर किन्हें कहते हैं, ये जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है इनको हम नासिक्य कहते हैं, यानी इनको बोलने में हमारे नाक से ध्वनि निकलती है। जिस तरह से अनुनासिक स्वर था उसी तरह से ये नासिक्य है। काका गागा अंगा न्या ना मा, इनको आप बोलेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि हमारी नाक से ध्वनि निकल रही है। तो ये जो है पंचमाक्षर जो होते हैं यानी पांचवा अक्षर जो हो गया, ये सभी जो है नासिक के हो गए। तो दोस्तों एक जो है मैं पूरा वर्ग ही भूल गया था, ता वर्ग लिखना ही भूल गया था, अभी एकदम से मुझे ध्यान आया। तो सेम जो नियम है, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, वो जो है ता था दा धा ना इस पर भी लागू होता है। और मैंने ना जो है यहां अड़ा की जगह लिख दिया था, उसको अब मैंने सही कर दिया है। तो इसको आप जो है सही ही नोट करिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है, यानी ता था, यानी इसको बोलने में हमारी जीभ जो है क्या है वो दांतों को टच करती है। ता था दा धा ना इन सभी को बोलने में हमारी जीभ जो है इसको दांतों को टच करती है, इसलिए जो है इसको हम तस्त और उष्म बहुत पूछा जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या रा ला वा ये क्या है, अंतस्थ है। इनको बोलने में हमारे जो है अंदर से जो है उच्चारण होता है अंतस्थ, यानी अंदर स्थित। अंतस्थ और उष्म व्यंजन क्या हुए, जिनको बोलने में हमारी जो है वायु जो निकल रही है मुंह से वो थोड़ी सी गर्म हो जाए, यानी श शा स हा, यानी इसमें क्या है एक तरह से हमारी जो है अंदर से वायु के साथ उष्मा भी बाहर आ रही है। संयुक्त व्यंजन की, तो ये संयुक्त व्यंजन क्या हो गए, त्र ज्ञा स्रा, ये ऐसे व्यंजन हैं जो पहले से ही दो व्यंजनों के मिलकर बने हैं। छा कैसे बना है, आधा का और आधा चा इनसे मिलकर छा बनता है। त्रा कैसे बना है, आधा ता और आधा रा से मिलकर त्रा बना है। इसी प्रकार से ज्ञा जा यानी आधा जा और इया आधा इया से मिलकर बना है। और स्रा कैसे बना है, आधा शा शशि वाला और आधा रा इससे मिलकर जो है स्रा बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हो गए, यानी अंतस्थ क्या हो गया, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्म शा सा शाह उष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त छात्र ज्ञा श्रा ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हो गए। आगे हमने या रा ला वा ये चारों लिख लिए। चारों कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं लेकिन इनका उच्चारण स्थान के जो है आधार पर, यानी हमारे मुख का कौन सा भाग इनके उच्चारण में मदद कर रहा है, कहां से ये ध्वनि निकल रही है, इसके आधार पर जो वर्गीकरण है वो भी पूछा जाता है। तो या क्या है, तालव्य है, इसमें हमारी जीभ जो है तालु का जो है प्रयोग होता है, जीभ जो है तालु से टच करती है। रा क्या है, रा जो है वत्स्य है। वत्स क्या क्या अर्थ होता है, वत्स का अर्थ होता है दंत मूल या मसूड़े से जो है उसका जो है स्थान से उच्चारण हो। दंत मूल यानी दांत का जो मूल, यानी दांत का जो निचला हिस्सा है इसको हम मसूड़े कहते हैं। तो वत्स क्या है, दंत मूल से जो है टच होकर इसका उच्चारण होता है। ला क्या है, ला जो है ये भी वत्स से है, सेम कंडीशन है दोनों की, यानी रा और ला दोनों ही वत्स व्यंजन है। अब वा, वा क्या है, वा को आप बोल के दे वा यानी दंत ओष्ठ, इसमें दांत और ओठ दोनों आपस में सट जाते हैं बोलने में, तो ये क्या हो गया, दंतोष्ठ का जो है ये उदाहरण हो गया, यानी इसमें दांत और निचला ओठ जो है आपस में टच होते हैं। फिर अब जो है एक और तरह का वर्गीकरण होता है व्यंजन में, कई तरह से होता है लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन में जो है आपको सीधा सीधा याद रखना है कि का वर्ग, पा वर्ग और पा वर्ग, यानी लिख लीजिए यहां पर का वर्ग
टा वर्ग और पा वर्ग, यानी ये वर्ग की बात कर रहे हैं। और वर्ग में कहां तक, आखिरी का जो है पंचमाक्षर को आपको छोड़ देना है। का वर्ग में यानी का खा गा घा, ये का वर्ग का हो गया। फिर टा वर्ग में टा ठा डा ढा, ये हो गए चार अक्षर। और पा वर्ग में पा फा बा भा, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में जो है हमारी जीभ स्पर्श करती है। फिर अब बात करते हैं स्पर्श संघर्षी, ये सब आपने सुने होंगे, आपको पता भी होगा, कोई जो है इसमें ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते होंगे। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में कौन सा वर्ग आएगा, स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग आएगा, यहां पर चा वर्ग। चा वर्ग में लेकिन कंडीशन वही है कि इसका जो आखिरी जो है यानी पंचमाक्षर जो है इया, ये इसमें नहीं शामिल होगा, यानी चा छा जा झा, ये जो है स्पर्श संघर्षी जो है व्यंजन का उदाहरण हो गया। तो जैसे हमने स्पर्श पढ़ा, स्पर्श संघर्षी पढ़ा, उसी तरह से और भी कुछ डिवीजन है व्यंजन के, उसमें क्या है, अब बात करते हैं संघर्षी की। तो संघर्षी शा शा सा, ये जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। फिर पार्श्विक व्यंजन जो है केवल एक है, ला है, जिसको बोलने में हमारे पश्च भाग से यानी पार्श्व जिव्या का जो पार्श्व भाग है वहां से जो है उच्चारण स्थान होता है, लुंठित रा, रा में यानी लुंठित का अर्थ क्या होता है कि जवान का पलट जाना, यानी जो है हमारी जवान जो है गोल होके पलट जाती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको हम लुंठित स्वर कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो रा जो है लुंठित का उदाहरण हो गया। अब अनुनासिक व्यंजन क्या है, ये जो आपके पंचमाक्षर हैं सारे, यानी अंगा अय्या अड़ा मा और ना, ये सभी अनुनासिक हैं, क्योंकि इसमें जो है नाक से जो है इनकी ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान होता है। और उच्छिप्त, उच्छिप्त क्या है, तो जो दो मूल जो है व्यंजन है मूर्धन्य वाले डा और ढा, इनमें नीचे अंग की बिंदी लगा देने से अंगा और डा जो है बन जाता है, जो भिन्न जो है विभिन्न दूसरे जो है अक्षरों सॉरी स्वरों में प्रयोग किया जाता है, तो इनको उच्छिप्त कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमने व्यंजन को भी समझ लिया, और इतने ही तरीके से जो है इसका विभाजन जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। मुझे लगता है कि आपको जो है काफी कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो को एक बार और देखेंगे आप जो है शुरू से, तो आपको ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। वर्णमाला से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे जो भी एग्जाम हो हिंदी व्याकरण इसमें पूछा जाता है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक सीधे सीधे स्वर व्यंजन यानी पूरे वर्णमाला में से इनके विभिन्न जो बांटने के आधार हैं इनके आधार पर आता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, हिंदी का जो अगला लेक्चर होगा उसमें फिर ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट जो है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता होगी, उस तरह का कोई एक टॉपिक लेके अगले लेक्चर में मिलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।